A very good morning to all our Gringsolians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 2, subject mathematics, lesson 12, money, part 2. How are you all? I hope that you all are well at your home. Yes, very good. So my dear students, tell me कि जो हमने अपनी last class में अपना work complete किया था, अपना chapter learn किया था, which is money, आप लोगों की कितनी समझ में आया? क्या आप लोग उसके बाद market गए और आपने कोई चीज purchase की जिसमें आपको पैसे देने में, money देने में कोई भी problem ना हुई हो? Yes. Very good. So dear students, don't worry. धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि हम मार्केट जाएं और कोई चीज परचेस करें और हमको कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं हो. ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, थोड़ा काउंटिंग की जरूरत है, थोड़ा एडिशन भी आनी चाहिए, काउंटिंग भी आनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर मैथ में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मनी पार्ट नंबर पार्ट टू. Okay, so open your maths book and pencil and note down your work. Okay, so let's move. So dear students, open your maths book, page number 109. Adding and subtracting rupees and paisa. पैसे और रुपए को हमको add करना है, मतलब जोड़ना है, और subtract करना है, मतलब minus करना है. Add कैसे करेंगे? जब हम कोई भी चीज purchase करने जाते हैं, तो हम हमारा जो shopkeeper होता है, उसको पैसे देते हैं. ठीक है, तो हम ऐड कर करके पैसे देते हैं. हमने दो चीज परचेस की, तीन चीज परचेस की, तो उनका हम जो मनी होता है वो ऐड करते हैं. ठीक है, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? किसी भी मनी में से इतने पैसे कम करने. जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर नोट है 100 की है और हमारा 75 का सामान आया है कोई भी, तो उसमें से हमें 25 लेस करना है. तो ऐड एंड लेस माइनस हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं. We add the subtract money as we add the subtract number. हम money को उसी तरह से subtract और add करते हैं जिस तरह से हम numbers को add and subtraction करते हैं. आपने adding की है, subtraction की है, तो this is very simple, very easy for you, क्योंकि number and money same होते हैं. वो भी number है, वो भी number है, बस हम उसे money बोलते हैं और उसे counting बोलते हैं. तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है जिसमें 25 रुपीज एंड 50 पैसे एंड 5 रुपीज एंड 50 पैसे दे रखे हैं. तो हमें सिंपली इनको ऐड करना है जैसे आप नॉर्मली अपने नोटबुक में ऐड करते हैं. ओके, सो एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, एक मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ, फिर आपको बाकी अपने आप सॉल्व करने हैं. ओके, सो नंबर 1 है हमारा पे एंड पैसा, तो है हमारा 50 रुपीज एंड 50 पैसा. ओके, नंबर 2 है हमारा 25 रुपीज एंड पैसा कुछ नहीं है, 00. अब बस हमें क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले एलजीनो के हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. 00, कोई वैल्यू नहीं 0 की, देन 0. 5 एंड 0, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं 0 की, तो 5 हम एज इट इज यहाँ पर राइट कर देंगे. नेक्स्ट 0 एंड 5, अगेन 0 है, तो 5 हम एज इट इज यहाँ राइट कर देंगे. अब हमारा मेन नंबर है 5 एंड 2, हमको बोथ नंबर ऐड करने हैं. एंड 5 एंड 2 आप अपनी फिंगर्स पर काउंट करिए कितना होता है, 5 एंड 2 7. सो यहाँ पर आ गया हमारा 7. अब 2 नंबर के बाद, आफ्टर 2 नंबर, हम यहाँ एक डॉट मेंशन करेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर रुपीज एंड दिस इज आवर पैसा. ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर, तो हमारा आंसर आया 75 रुपीज 50 पैसा. दोनों आपको सिंबल दे रखे हैं, तो आपके रुपए भी आ गए और आपके पैसे भी यहाँ पर आ गए. इसी तरह आप उसको सॉल्व करिएगा. ओके, एक्सरसाइज 4, दिस इज योर स्टोरी. नंबर 1, आई बाई अ टॉय कार फॉर रुपीज 79.50 पैसा. ओके, इफ आई गिव ए नोट ऑफ 100, मेरे पास 100 की नोट हो, मैंने टॉय कार खरीदी 79 रुपीज 50 पैसे की, अगर मेरे पास एक 100 की नोट होती है, हाउ मच मनी शुड आई गेट बैक, मुझे कितनी मनी वापस मिलती है? तो हमें क्या करना है, सिंपली सब्सट्रैक्शन करना है. अभी मैंने आपको बताया कि आपको 75 रुपीज का कोई
सामान परचेज करना और आपको 100 की नोट है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सेम मेथड यहाँ पर भी यूज होगा, 100 में से 79.50 पैसा हमें कम करना है, ठीक है, तो यहाँ हमें सब्सट्रैक्शन करना है। नंबर टू, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ₹27 एंड द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ₹20.50। ओके, हाउ मच मनी शुड आई गिव टू पे फॉर दीज, मुझे इसके लिए कितनी मनी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बुक की कीमत है ₹26, ₹26, और एक नोटबुक की है ₹20.50। यहाँ पैसे भी आ गए और रुपीज भी आ गए, तो हमें यहाँ ऐड करना है, दोनों नंबर्स राइट करके ऐड कर देने हैं। नंबर थ्री, ऋतु ब्रॉड एंड आइसक्रीम फॉर ₹13.80 वाइल तान्या ब्रॉड एंड आइसक्रीम फॉर ₹52। हाउ मच मोर डिड तान्या पे फॉर द आइसक्रीम, ऋतु ने आइसक्रीम खरीदी ₹38 की, तान्या ने खरीदी ₹52 की, तो तान्या ने कितने पैसे और दिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सब्सट्रैक्शन करना है, 52 में से 38 माइनस करना है। मोहन ब्रॉट चॉकलेट फॉर ₹48 एंड द टॉप इज ₹30.50, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल एज यूजली, और ऐड करना है, तो यहाँ आपको सब्सट्रैक्शन एंड एडिंग करनी है और नंबर काउंट करने हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 5, हेल्प द शॉपकीपर कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। एक शॉपकीपर है, कुछ टॉयज दे रखे हैं, उसकी शॉप में टॉयज हैं, यहाँ पर दूसरे चार्ट में आपको टॉयज एंड उनके अमाउंट दे रखा है, तो आपको शॉपकीपर की हेल्प करनी है कि कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट कितने रुपीस का है। नंबर वन, मोहित बाय अ ट्रेन एंड अ टेडी बियर, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इधर देखिए ट्रेन एंड टेडी बियर, तो पहले हमें ट्रेन का अमाउंट लिखना है, यहाँ आपको ट्रेन दे रखी है, ट्रेन कितने रुपीज की है, 450, तो यहाँ हम लिखेंगे 450 एंड टेडी बियर है 155, अब दोनों को हमें ऐड कर देना है टोटल, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना होगा 605। नेक्स्ट, मिस्टर वसीम बाय अ कार एंड अ डॉल फॉर हर चिल्ड्रन, ठीक है, उन्होंने एक कार खरीदी, तो हम यहाँ कार लिखेंगे, यहाँ हम डॉल लिखेंगे, क्या कार का क्या अमाउंट है 210 और डॉल का है 245, तो हमें यहाँ टोटल अमाउंट करना है, टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ 455। यस, नेक्स्ट, विनीता बाय अ रोबोट एंड क्रिकेट किट, विनीता ने एक रोबोट खरीदा और क्रिकेट किट खरीदी, सो राइट हियर रोबोट एंड क्रिकेट किट, और रोबोट का अमाउंट क्या है 525 और क्रिकेट किट का है 300, और हमें अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल हमारा नंबर आया 825। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ गया है कि हम किसी भी शॉप पर जाएं और कोई चीज परचेज करें तो हम उसका अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप राइट करके भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ओके, सो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में आ गया, अब हमारा जो लेसन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया है बोथ पार्ट, सो आपकी समझ में आ गया है कि व्हाट इज मनी, मनी स्पेंड कैसे करते हैं, मनी को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी हम शॉप पर जाएं कोई चीज परचेस करने के लिए तो हम शॉपकीपर को मनी कैसे देंगे। ओके, एंड जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था, आई होप कि आपकी समझ में वो भी आ गया है कि हम किस तरह से कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान मार्केट से कैसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, अंटिल देन सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय। माय डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेस क्लास इज ओवर नाउ, होप यू एंजॉयड दिस क्लास, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर homework. My dear students, in your homework, complete your work in your mathematics book and notebook as per given instructions in video class. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.